वार्ड 12 सुपेला में समाज सेविका सुमन त्रिपाठी के नेतृत्व में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने शिविर का आयोजन किया जाएगा। सुमन त्रिपाठी ने महिलाओं से मिलकर इस संदर्भ में चर्चा की। महिला उत्थान को लेकर समाज सेविका सुमन त्रिपाठी द्वारा पिछले 4 वर्षों से लगातार कार्य किया जा रहा है। आज उन्हीं के प्रयासों से सैकड़ों महिलाएं स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़कर स्वयं का व्यवसाय संचालित कर रही हैं। वैशाली नगर क्षेत्र में भी महिला उत्थान को लेकर सुमन त्रिपाठी द्वारा कार्य किया जा रहा है। बता दें कि समाज सेविका राजू चंदा के नेतृत्व में आज अनेकों महिलाएं रोजगार मूलक कार्यों से जुड़कर स्वयं के पैरों में खड़ी हैं। इसी संदर्भ में शुक्रवार को महिलाओं की एक बैठक वार्ड 12 सुपेला में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं और स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ने को लेकर सुमन त्रिपाठी को सामने आ रही समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर समाज सेविका ने दीपावली पर्व उपरांत इस पर शीघ्रता से पहल किए जाने आश्वस्त किया। बैठक की जानकारी समाज सेविका सुमन त्रिपाठी ने दी। बहुत ज्यादा मतलब इनको सिर्फ प्रोत्साहन की ज़रूरत है और थोड़ा जो ये चाह रहे हैं उनको, और मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना कष्ट से आती हैं यहाँ पे और छोटी छोटी चीज़ें, देखिए आज इनके पास मशीन नहीं है और ये हाथ से झबला बना के ला रही हैं और थोड़ी सुविधाएं कम हैं, तो कोशिश करूँगी कि मैं इनको थोड़ी बहुत सुविधा, क्योंकि हुनर बहुत है और उत्साह बहुत है, इसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाती हैं और सब हम सब लोग मिलके करेंगे तो वो चीज़ हो भी जाएगी। और धीरे धीरे थोड़ा मैंने आज इन लोगों को ये भी बोला कि जैसे भगवान जी के झबले होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जो जिससे छोटा छोटा रोज़गार किया जा सकता है, तो आज ये विचार हुआ है और इस पर हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। बच्चे हैं कुछ पढ़ाई जो छोड़ चुके हैं या जिनकी पढ़ाई हो गई है वो कंप्यूटर की डिमांड कर रहे हैं, तो कुछ कुछ धीरे धीरे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा काम और धीरे धीरे इनको और थोड़ा बेहतर, इस जो ये अभी काम कर रहे हैं इनको थोड़ा और बेहतर किया जाएगा और थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ में काम किया जाएगा, जिससे कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर होगा तो इनका भी स्टैंडर्ड ऊपर होगा और वो चीज़ें अच्छे से मार्केट में निकल सकेंगी। बस यही प्रयास करने की कोशिश। बैठक में क्षेत्र की घरेलू कामकाज से जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।